हेलो नमस्कार, प्रिय विद्यार्थियों, मैं इंजीनियर नरेश यादव, फैकल्टी ऑफ फिजिक्स, इंडियन पब्लिक स्कूल लक्ष्मणगढ़ की यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत। ठीक है, अपना मतलब चैप्टर दूसरा चल ही रहा है। ठीक है, वो है आपका गाउस नियम तथा गाउस नियम के अनुप्रयोग। ठीक है, यूनिट फर्स्ट है इलेक्ट्रोस्टैटिक, जिसमें इस तरह विषय का अध्ययन करेंगे। इस चैप्टर में हमने जो बात की वो हमारा चल रहा था गॉस के नियम के अनुप्रयोग, जिसमें हमने पांच एप्लीकेशंस कर लिए थे। कितने एप्लीकेशन कर लिए? पांच। पहला था अनंत लंबाई के आवेशित चालक तार के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ठीक है, दूसरा था समरूप आवेशित अचालक परत के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तीसरा था समरूप आवेशित आवेशित चालक परत के कारण या चालक पट्टिका के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। चौथा था समरूप आवेशित गोलीय कोश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। पांचवा था अचानक समरूप आवेशित अचानक गोले के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। इस वीडियो में जो हम करेंगे वो आपका लास्ट अनुप्रयोग है, वो है कि समरूप आवेशित चालक गोले के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ये डायरेक्शन दोबारा आया है, फिर कह रहा हूँ दोबारा आया है। जो आपका चौथा अनुप्रयोग है सेम होगी, वो दोबारा करेंगे। वहां गोलीय कोश था, यहाँ चालक गोला है। वहां भी आवेश चलकर सतह पर आ जाता था, यहाँ भी आवेश चलकर कहाँ जाएगा? सतह पर। सेम पूरा का पूरा डेरिवेशन कैसे इस प्रकार ही है, ठीक है, उसके बारे में हम बात करेंगे। पूरा डेरिवेशन क्या कह रहा हूँ, सिमिलरली इसी प्रकार है। तो देखिए समझे, ये आपका क्या है गोलीय कोश, ये इसका केंद्र, इसकी त्रिज्या क्या है कैपिटल आर। जो भी आवेश दिया जाएगा वो चालक कहाँ जाएगा? सतह। ये सतह पर आ गया आपका, मान लीजिए इसको प्लस क्यों आवेश दिया गया, वो सतह पर आ गया। ठीक है, इसका जो सतह पर आ गया पृष्ठ आवेश कहाँ, पृष्ठ आवेश घनत्व क्या लेते हैं, सिग्मा बराबर क्यू अपॉन एस, सिग्मा बराबर क्यू अपॉन फोर पाई कैपिटल आर स्क्वायर। क्यू बराबर क्या हो जाएगा, सिग्मा फोर पाई कैपिटल आर स्क्वायर, समीकरण नंबर एक। वही तीन कंडीशन पढ़ेंगे, ये कोई भी चालक गोला था जिस पर आवेश दिया गया वो आवेश चल कहाँ जाएगा, सतह पर आ जाएगा। कहाँ जाएगा? सतह पर आ जाएगा। और सतह पर आने पर पृष्ठ आवेश घनत्व की बात होगी सिग्मा, सिग्मा बराबर क्यू अपॉन एस, एस बराबर गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल फोर पाई आर स्क्वायर। ठीक है, नेक्स्ट पहला पॉइंट क्या पढ़ते हैं, पहला पढ़ते हैं जब बिंदु पी गोले के बाहर स्थित हो, कहाँ स्थित हो, बाहर स्थित हो। देखिए समझिए, यह आपका चालक गोला, इसकी त्रिज्या क्या है कैपिटल आर, ये इसका केंद्र पी ओ, और इसको जो भी आवेश दिया उसका उत्तर कहाँ गया, सतह पर। यहाँ से इस मोला गोली पर कोई भी टुकड़ा दिया गया पी दिया गया, जिसको ये अपन इस प्रकार की तरह की डाउन सेंटर चुकी है। ठीक है, ये प्लस होगा इस पर, ई वेक्टर भी इधर ही होगा, और जो डी एस वेक्टर भी होगा वो भी इधर ही होगा। थीटा बराबर कितने डिग्री होगा, जीरो डिग्री। कितने डिग्री होगा, जीरो डिग्री। तो वही गॉस के नियम से फाई के ई पर आता वर्ग समाकलन ए डी एस और थीटा, ये कितना हो जाएगा, क्यू का कोण कैसा का कोण, ये कितना हो जाएगा, क्यू का बाहर आ जाएगा डी एस, कॉस कितने डिग्री, जीरो, और जीरो का मान कितना होता है ए, क्यों अपन हो गया सारा दोनों की बंद समाकलन डी एस, और इस दौर से प्रश्न का जो क्षेत्रफल होगा वो कितना होगा, बंद समाकलन डी एस कितना होगा, फोर पाई फोर आर स्क्वायर। तो क्यों अपन है सारा दोनों की लॉग फोर पाई आर स्क्वायर, तो ई बराबर कितना हो जाएगा, बंद अपन फोर पाई आर सारा दोनों ई आउट बाहर जो है क्यों अपन कैपिटल आर स्क्वायर, इस मोर आर स्क्वायर। ये कहा गया बाहर, कहा गया बाहर, यानी कि समानुपाती वाला अपॉन आर स्क्वायर। ठीक है, अगर क्यू का मान भी रखना है, देखिए जब बिंदु पी बाहर स्थित है तो स्मॉल आर त्रिज्या की गॉस दृष्टि का करते हैं कल्पना करते हैं। ठीक है, ई वेक्टर और डी एस वेक्टर समांतर है, थीटा बराबर जीरो डिग्री, फाई बराबर हम चाहते हैं
सर अपना ई डी एस कॉस थीटा होता है यानी थीटा बराबर 0 डिग्री और यहां से q अपॉन एप्सिलॉन नॉट ई बन सम अपॉन डी एस तो इसका गॉसियन प्रश्न का संपूर्ण प्रश्न क्षेत्रफल 4 पाई r स्क्वायर जैसे मान लो कि ये आउटपुट अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट q अपॉन स्मॉल r स्क्वायर ये आया। अगर मान लें q का मान रख सकते हैं सिग्मा ये अपन समीकरण 1 से तो देखिए समीकरण 1 से कितना आएगा e r बराबर कितना हो गया 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r स्क्वायर q का मान सिग्मा 4 पाई कैपिटल r स्क्वायर और वाइस फॉर पर कट जाएगा तो देखिए अपन कितना आएगा e r बराबर कितना हो जाएगा सिग्मा r स्क्वायर अपॉन एप्सिलॉन नॉट r ठीक है सिग्मा कैपिटल आर स्क्वायर बटे एप्सिलॉन नॉट स्मॉल आर स्क्वायर ई आउट बराबर कितना आया 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन कैपिटल आर स्क्वायर स्मॉल आर स्क्वायर यानी ई आउट समान पाती 1 अपॉन आर स्क्वायर या ई आउट अप्लाई सिग्मा कैपिटल आर स्क्वायर अपॉन एप्सिलॉन नॉट स्मॉल आर स्क्वायर ये तो आया था ये तो हुआ आपका डेरिवेशन। दूसरा अपन पढ़ते हैं कि जब सतह पर स्थित हो कहाँ स्थित हो सतह पर स्थित बिंदु बी गोले का चालक गोले का स्थित हो सतह जब अंदर स्थित होगा क्या आपका चालक गोला ठीक है जो भी आप जब चालक गोला है
तो आवेश चलकर कहाँ जाएगा, सतह पर आ जाएगा। कहाँ जाएगा, सतह पर आ जाएगा। अंदर कितना बचा आवेश, शून्य अभी शून्य होगी, यानी तीन बनाना कितना होगा, ये तीनों कंडीशन होगा, पहली दूसरी और तीसरी, ये कंडीशन का अध्ययन किया। क्योंकि ये डी एस तो शून्य हो ही नहीं सकता, क्योंकि गुरुदास से प्रश्न उसका कुछ तो चेतन पर होगा, उस पर बल्कि आवेश हो या नहीं हो, तो आवेश का मान शून्य होगा, विद्युत क्षेत्र का मान यही शून्य होगा। विवाह ऐसी कंडीशन नहीं होगी कि जहाँ विद्युत क्षेत्र का मान अगले चैप्टर जब अपन पढ़ेंगे, ठीक है, ये तीन कंडीशन का अध्ययन। अब ग्राफ का एक उदाहरण, तो अंदर शून्य है, सतह का मैक्सिमम वही गुणित कोश वाला आ जाएगा। यहाँ पर क्या हो गया था, और ये क्या हो गया, यहाँ आने का यहाँ था, ये आर प्लस का कुछ होगा और ये आर ग्रेटर का कुछ कैपिटल है, आर प्लस का कैपिटल आर और आर बड़ा, यानी कि क्या हो गया अंदर, ये क्या हो गया सतह, ये क्या होगा बाहर। तो देखिए सतह पर तो मैक्सिमम क्या है, मैक्सिमम, और अंदर क्या है शून्य, बराबर। इसके बाद देखिए दूरी के फर्क के साथ क्या हो रहा है, ठीक है, ये ग्राफ की बात हुई। तो जो गॉस के नियम के अनुप्रयोग थे वो छह के छह अनुप्रयोग में कंप्लीट करा चुका हूँ, ठीक है। पहला अनंत रेखीय आवेशित तार के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, दूसरा जो कितनी आई थी आपकी 2k λr, दूसरा अचालक परत के कारण सिग्मा मोड 2εr, चालक परत के कारण सिग्मा मोड 2εr, नेक्स्ट क्या था, गोलीय कोश जो यही डेरिवेशन की तीनों प्रतिमा है, ठीक है। नेक्स्ट क्या था आपका, अचालक गोला, क्या था अचालक गोला, जिसमें बस थोड़ा सा बाहर ये कुछ नहीं थे लेकिन अंदर का कुछ फर्क था, अंदर आवेश उपस्थित था, तो छोटे गांव से प्रश्न में तो आवेश की तरफ पूर्ण मान के कारण, देखिए अनंत रेखीय आवेश चालक तार के कारण, दूसरा समरूप आवेश चालक पट्टिका के कारण, समरूप आवेश चालक पट्टिका के कारण और समरूप आवेश गोले कोश के कारण। नेक्स्ट पांचवा था अचालक समूह आवेश अचालक गोले के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, लास्ट था जो चौथा ये क्या था, अनुप्रयोग आवेश गोले डायरेक्शन सेम है, समरूप आवेश अचालक गोले के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। इस चैप्टर में आपके लिए जो डायरेक्शन कोड बचे हैं उनको मैं नेक्स्ट वीडियो में पढ़ाऊंगा। एप्लीकेशन आपके खत्म हो चुके हैं, एप्लीकेशन जो भी थे वो आपके पूर्ण रूप से समाप्त हो गए हैं, इन जो भी अनुप्रयोग थे उनको आप ध्यानपूर्वक करें। अगर कहीं पर कहीं दिक्कत आती है तो इन वीडियो को आप दोबारा पूरे देख सकते हैं, ठीक है, ये तो ऑप्शन अपने पास रहता ही है ना, ठीक है। और नोट्स आपको जो प्रोवाइड हो रहे हैं उनको आप साथ साथ लिखते जाएँ, ठीक है, धन्यवाद।